गाइस, मैं आप सब लोगों के साथ हमारा जो चकमा ट्राइब्स का एक डिश है, मतलब एक खाने का चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसका कुकिंग का फुल प्रोसेसिंग भी मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी बट मम्मी इसको बनाएगी ऐसा कुछ। सो ये सिर्फ चकमा का ही नहीं, इधर का जो त्रिपुरा का ऑल ट्राइब्स का ये अच्छा डिश है, सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं हम चकमा ट्राइब्स, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले आप इसको, इसका जो ऊपर का एक ढक्कन जैसा रहता है उसको खोलोगे, सेफ्टी पिन से ऐसे खोलोगे। उसके बाद खोलने के बाद ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा होता है। नहीं खोलोगे तो फिर भी होगा, अगर खोलते हो तो खाने में डायरेक्ट इसको आप ऐसे खोल के खा सकते हो, बाद में उसको अलग से खोलना नहीं पड़ता, इसलिए खोल के खाने से अच्छा होता है, वरना गले में ये अटकने का चांस रहता है इसलिए। तो ये खोलने के बाद इसको ऐसे नमक देकर इसको ऐसे घोलोगे अच्छे से, जब तक पूरा घुल ना जाए तब तक इसको ऐसे घुल के पूरा गंदा जो है वो बाहर मतलब चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे घुलते रहोगे। धोने के बाद गाइस, इसका जो ऐसे नीचे का हिस्सा होता है उसको आप ऐसे काटोगे, अगर नहीं काटते हो तो इसमें से अंदर का जो हिस्सा है वो खाते समय उसका अंदर का हिस्सा नहीं आता है, इसलिए नीचे का हिस्सा काटना पड़ता है। तो ये काटने के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, देखिए ऐसा होता है काटने के बाद। सब कुछ इसका रेडी हो गया है, अब इसको सिर्फ पकाने का बारी है। इसको तेल में, अभी गैस में तेल में इसको डाल देंगे, तो देखिए तो जब ये पूरा पक जाएगा तब इसमें ये पत्तियाँ देना पड़ता है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको फिर भी देते हैं लोग, मुझे नाम नहीं पता, मेरे लैंग्वेज में तो पता है, आप लोगों के लैंग्वेज में मुझे ये पता नहीं है। उसके बाद इसमें जो चाल का पिसा हुआ पाउडर जैसा होता है उसको ऐसे दोगे, उसके बाद ऐसे मिक्स करके उसके बाद इसके ढक्कन लगाओगे, और ढक्कन लगाने के 5 मिनट बाद ये हो जाएगा तैयार।